जलवा गाइस, सब मेरा चल रहा है, बाकी सब बात है अलग। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज है सेकंड डे राइड का एंड मैं जस्ट अभी उठा थोड़ी देर पहले एंड अभी जो है यहाँ हो रहा है ठंडा काफ़ी। मैं हाफ में घूम रहा हूँ फिलहाल तो हाफ में घूम रहा हूँ एंड आज मैं जाऊँगा भाई गाँव के राइड होने वाली है जिसमें ज़्यादातर ऑफ रोडिंग मिलेंगे, एडवेंचर मिलेगा बहुत तगड़ा वाला एडवेंचर मिलेगा वहाँ। तो ब्लॉग में बने रहे एंड जो कल होगी वापसी, थर्ड डे में वापसी होनी पता ही है। एंड जो वाला है मैंने आपको बताया था इधर है घर मेरा, तो वहाँ मैंने कैंसिल कर दिया वहाँ जाने का, तो इधर के गांव जाऊँगा जहाँ थोड़ा एडवेंचर है, जहाँ मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा मज़ा आएगा, मैं वहाँ जाने की सोच रहा हूँ। तो अभी निकलते हैं वहाँ को, उससे पहले मैंने कल शाम वीडियो एडिटिंग भी नहीं कही है, पहले अपलोड करता हूँ फिर वीडियो एडिटिंग करता हूँ अगर होती है तो, नहीं तो पहले गाँव ही चलता हूँ, नाश्ता वास्ता करते हैं फिर निकलते हैं, मिलते हैं आपसे एंड अपने बाइक के भी वहाँ पर हालांकि रहे हैं। संजू भाई धन्यवाद आपका भाई, ऐसे देख रहे हैं लोग गाड़ी को, मतलब मज़ा आ गया, देखा होगा आपने। मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। सो अभी हो चुका हूँ रेडी एंड अभी निकलते हैं गाँव को, तो बाइक के लिए पानी तो मिला नहीं धोने के लिए, तो ऐसे ही चलते हैं, देखते हैं रास्ते में अगर पानी मिलता है तो कहीं पर रोक देते हैं, बाकी अभी निकलते हैं गाँव को। सो लेट्स गो। सो ओके लेट्स गो, सेकेंड डे राइड स्टार्ट करते हैं। और जो भी डंपर का काम बड़ा तगड़ा चल रहा है क्रेशर से। ये रोड जो देख रहे हो ये जाती है खैरना गर्म पानी और सीधे हल्द्वानी, बट हमें जाने यहाँ से गाँव से ऊपर को रोड पड़ती है, यहाँ से ऊपर हो जाएंगे हम, और यहाँ से जो खैरना हर चीज़ें भी उधर हो जाती है ऊपर को जा रहे हैं। अब यहाँ से होगा मेन एडवेंचर स्टार्ट, जो ऊपर वो रोड चल गया ये यार, सीधे लास्ट में मेरे गांव में पहुँचती है वो दिखी गई, कोई सीधे सीधे चढ़ाई स्टार्ट हो गई सीधे। तो लेट्स गो टू सम एडवेंचर। एंड यहाँ से आगे को स्टार्ट होता है मेरे गांव का नज़ारा, कच्ची कच्ची रोड है थोड़ा, काफ़ी नज़ारा तो रोड दिख नहीं रही है एक्चुअली, धूप की वजह से हल्की हल्की दिख रही है कैमरे में, तो नहीं दिख रही होगी, हल्की हल्की रोड दिख रही है यहाँ से, अगर मिलेगा थोड़ा पानी, बट यहाँ पर का पानी पीना नहीं है क्योंकि ये पानी जो है इससे बुखार आ जाता है, ख़राब हो जाता है, और मैं वैसे ठंडे में ही जा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत अभी ख़राब हो जाएगी, तो यहाँ पर का पानी नहीं पीना, यहाँ तो सिर्फ बॉयल वाला पानी पीना है आई थिंक, ये सरकार के द्वारा ही होंगे क्योंकि कोई ऐसे तो काट तो सकता नहीं है क्योंकि पेड़ काटना गैर कानूनी है भाई। जब मैं इस रोड में था भाई ये रोड बिल्कुल साफ थी, अब देखो बिल्कुल इधर से ही आगे कांटे वाँटे आगे पूरे एंड सामने दिख रहा है आपको, सामने उधर जो उधर वाली पहाड़ी दिख रही है सामने वाली रोड पट्टी वाली, वहाँ पर एक मंदिर है हनुमान जी का। यहाँ पर क्या होता है जब ये रोड बननी थी तो काफ़ी का एक्सीडेंट हुआ, मतलब रोड यहाँ से आगे जा ही नहीं थी, जो सामने वाली पहाड़ी दिख रही है आपको वो पहाड़ी कट ही नहीं थी, मतलब कोई भी ले आओ मशीन वशीन कुछ भी किसी से नहीं कट रही थी, तो किसी से नहीं कट रही थी एंड यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान भी चली गई थी। तो उसके बाद से यहाँ पर मंदिर की स्थापना करने के लिए बोला गया, तो यहाँ पर मंदिर बनाया एंड उसके बाद से जो आगे को रोड पड़ी, यहाँ हर साल पूजा होती रहती है, यहाँ भंडारा होते रहता है हर साल, धूप में भी इतना ठंडा हो रहा है ना यहाँ पर।
सामने देखो क्या खूबसूरत पहाड़ी दिख रही, क्या खूबसूरत, मजा आ गया। और जो भी बोलो, अपने गांव जाने का मजा तो अलग ही आता है, बिल्कुल अलग ही, यादें ताजा हो जाती है बिल्कुल। रोड यहाँ पर तक ही है, ये आके गांव पे जा रही थी, बट यहाँ से जो इस रोड के लिए आए थे आपके समथिंग 5 लाख आए थे यहाँ से लेकर सामने पहाड़ी तक, तो जो 5 लाख यहीं पर ख़त्म हो गए इस पहाड़ को तोड़ने में, मतलब काफ़ी काफ़ी खर्चा हो गया इस पहाड़ में, मतलब खर्चा पूरा हो गया और ये पहाड़ नहीं उधर फिर भी, तो लोगों ने छोटा छोटा पतला पतला रास्ता बना रखा है उधर। सो गाइस, मैं भी चढ़ा चढ़ के ऊपर आ गया हूँ, एंड अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है रेड कलर की, एंड सामने जो मैं पहाड़ बता रहा था जहाँ बतुस्खान है वो सामने वाला पहाड़ है, एंड एक लौता गांव इधर है, घोड़िया बोलते हैं इसे, घोड़िया, एंड एक लौता गांव नीचे है सूखा, और जो बिडारे बिडारे बोल रहा था मैं वो सामने वाला है। ये पूरी जो यहाँ से लेकर ऊपर तक गई है वो पूरी वो है बिडारी, एंड ये है स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो सामने है, सबसे फर्स्ट वाला नीचे वाला मकान है ऊपर प्राइमरी स्कूल है, एंड उससे ऊपर को स्टार्ट होता है धनखोरी, ये सभी देखो सब धनखोरी स्टार्ट, ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ मैंने 5 तक पढ़ा है। तो मेरा कैमरा हो गया था स्विच ऑफ, एंड उसके बाद से मैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट करा, क्योंकि देखो ऑफ रोडिंग था, उसके बाद से पीठ में बैग था तो कंधे में ऐसी दर्द हो गई थी थोड़ा, मतलब ऐसे लेटा था तो मेरे को नींद आ गई, पता नहीं लगा कब इतनी देर हो गई, तो अभी धूप जा चुकी है, तो अभी आरखों में ऐसी मतलब थोड़ी ऊंची जगह पर धार बोलते हैं, धार ऊंची जगह होती है उसको धार बोलते हैं, तो मैं वहाँ पर आ रखा हूँ, एंड यहाँ से सामने का व्यू देख लो, सही दिख रहा, ये देखो ये पूरा गांव इधर का, एंड जो मैं बड़ा सा पेड़ वहाँ से दिखा रहा था वो ये वाला है, इसके नीचे मंदिर है भूमि देवता का, एंड ये है गाँव का, ये सामने वाला पहाड़ है, जो ऊपर वाली पहाड़ी दिख रही है आपको वो वाली पहाड़ी दिख रही होगी ना, एक तो ये वाली एक ये वाली, उसमें से इधर वाली पहाड़ी है जो है फर्स्ट वाली जिस पर उंगली लगा रहा हूँ मैं, ये वाली पहाड़ी से रोड जाती है नैनीताल को, अगर मैं नैनीताल के रास्ते आता तो मैं वहाँ पर पहुँचता, फिर वहाँ से ऐसे नीचे को आता, और यहाँ पर जाके थोड़े आगे आके रोड ख़त्म है, यहाँ से आगे को रोड नहीं है इधर को, तो वहाँ से मेरे को लंबा पड़ता, बट व्यू अच्छा है वाले रास्ते, तो मैं इसलिए मैं नीचे के रास्ते आया, रास्ता दोनों जगहों से है, नैनीताल से भी है इधर खैरना से भी है, एंड ये सामने की पहाड़ी, अगर लास्ट वाली पहाड़ी में आप देखेंगे अगर आपको दिख रही होगी तो वहाँ वो है, मतलब जहाँ भैंस वैंस मतलब एक खत्ता टाइप का है जहाँ सब अपनी भैंसें भेज देते हैं और दो चार आदमी रहते हैं वहाँ, बस वो भैंसों को चराते वहीं जब तक वो
वो दूध देने वाली नहीं हो जाती तब तो उनको वहीं चराते हैं, तो मतलब काफ़ी भैंस है वहाँ बचपन में गए। तो बाय बाय गाइस, टाटा, सी यू लेटर, मिलते हैं आपसे कल। थर्ड डे, कल है हमारा वापसी, तो वापसी कल हमको हल्द्वानी को जाना है एंड कल हमको वापसी को जाना है एंड वापसी जाएंगे हम, सुबह निकल जाएंगे यहाँ से 9-10 बजे, जहाँ तक मैं आईडिया लगा रहा हूँ, बट लेट वेट तो होती रहती, जल्दी भी हो जाए शायद। तो 9-10 बजे निकलेंगे यहाँ से, फिर धीरे 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 हल्द्वानी को निकल लेंगे। तो बहुत कम लोग हैं, जितने भी लोग थे सब ने पलायन कर दिया यहाँ से, सब बाहर चले गए। अगर मेरे गांव की बात करी जाए, जो ये गांव दिख रहा है आपको इधर वाला, जिसमें मैं खड़ा हूँ अभी, इसमें कम से कम 3 या 4 लोग हैं, 3 लोग नीचे, दो दो लोग ऊपर या 3 लोग ऊपर, बस इतने ही लोग हैं। और जो इधर का गांव है इसमें थोड़े लोग बचे हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो गया। बड़ा अजीब लग रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट बार आऊँगा तो किसी दोस्त को लेकर आऊँगा, बट अगली बार की अगली बार देखी जाएगी। इस बार मजे उड़ाता, अकेले हैं तो क्या हुआ, क्यों, कैमरा तो है अपने साथ। सो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।